ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, वो है पेटी कैश से रिलेटेड। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सो वी हैव दिस टॉपिक ऑफ पेटी कैश। ओके जी, देखें पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसको कोशिश करते हैं कि आसान लफ्ज़ों में हम कुछ ना कुछ इसकी थ्योरी भी अंडरस्टैंड करें और लिख भी लें। पेटी कैश क्या होता है? अमूमी तौर के ऊपर जो बिजनेसेस होते हैं लार्ज स्केल्स में जो ऑपरेट करते हैं, वो अपनी ज़्यादातर अमाउंट जो है वो अपने पास कैश नहीं रखते, बल्कि वो बैंक अकाउंट में पैसे ज़्यादातर डिपॉजिट रखते हैं और बैंक के थ्रू ही पेमेंट भी करते हैं और कस्टमर से बैंक के थ्रू ही अमाउंट रिसीव करते हैं। कुछ अमाउंट उनको दरकार होती है इस नियत के साथ कि जो बिज़नेस के छोटे मोटे अखराजात होते हैं, डेली रूटीन के पॉकेट एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनको बेयर करने के लिए वो अपने पास कुछ अमाउंट सेफ में रखते हैं, टिन में रखते हैं। किस नियत के साथ? फॉर एग्ज़ाम्पल, वो छोटे एक्सपेंसेस क्या हैं कि डेली रूटीन के ऊपर आपके पास न्यूज़पेपर आता है, कस्टमर्स आते हैं, उनकी इंटरटेनमेंट की जाती है, रिफ़्रेशमेंट की जाती है, ऑफिस का कोई विज़िट है तो आप लोगों ने जाना है, ट्रैवल करना है, बस का किराया, ट्रेन का किराया, फेयर का, जो भी हैं, स्टैम्प्स हैं, स्टेशनरी है छोटी मोटी जो डेली रूटीन में यूज़ होती है, तो वो जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर करने के लिए आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड करके अपने पास रख लेते हैं। वो वीकली भी हो सकती है और वो मंथली भी हो सकती है या 2 वीक्स की हो सकती है, आपने जो एक्सपेंसेस मीट करने हैं। तो बेसिकली इस ज़िम्मे में जो आप अपने पास कैश रखते हैं ताकि उन एक्सपेंसेस को मीट किया जाए, बियर किया जाए, पे किया जाए, जिनकी अमाउंट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो पेटी कैश आप अपने पास रखते हैं, उसको पेटी कैश कहा जाता है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखने लगा हूँ आसान लफ्ज़ों में, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है? तो पेटी कैश के बारे में हम ये कहते हैं जो स्मॉल एक्सपेंडिचर्स होते हैं बिजनेस के, स्मॉल डेली रूटीन एक्सपेंसेस, शुड नॉट बी डेल्ट विथ बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, जो छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बिजनेस बैंक अकाउंट के ज़रिए डील नहीं किया जाता। जैसे कि कस्टमर आके उनकी इंटरटेनमेंट करनी है तो अब ये थोड़ी एक चेक काटेंगे जो जाके $5 ले आओ, $10 ले आओ, $15 ले आओ, नहीं ना। इसके लिए क्या किया जाता है? अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी कैप्ट टू मीट दीज पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक खास अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड कर ली जाती है ताकि इन छोटे पेटी पेटी एक्सपेंसेस को आप उन से मीट कर सकें, उस कैश से। वो जो फिक्स सम ऑफ मनी आप सेट असाइड करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं यार मैं ऐसा करता हूँ महीने के लिए 5,000 निकाल के सेट असाइड कर देता हूँ, इस 5,000 से मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो महीने के पूरे हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो जो फिक्स अमाउंट आप सेट असाइड करेंगे उस फिक्स अमाउंट को क्या बोलते हैं? दैट फिक्स्ड अमाउंट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? फ्लोट। ठीक है, और पेटी कैश को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ताकि कंट्रोल मेंटेन रहे। कंट्रोल से मुराद क्या है? ताकि आपकी एक्सेस अमाउंट आप विड्रॉ ना करवाएं, ताकि कोई थेफ्ट ना हो, स्टीलिंग ना हो, ताकि हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी की जा सके। तो उसके लिए एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, उस सिस्टम को कहा जाता है पेटी कैश इज़ मेंटेन अंडर अ सिस्टम, पेटी कैश
is maintained under a system called इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। पेटी कैश को जिस सिस्टम के तहत मेंटेन किया जाता है उसको आप इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इम्प्रेस सिस्टम है क्या, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट, जो इम्प्रेस सिस्टम है वो क्या कहता है, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ money should be kept aside to meet expenses, और फिर क्या करना है, the exact amount of expenditures should be reimbursed to restore a float। कहता है जितना आपका एक्सपेंडिचर होगा उतनी अमाउंट आप विड्रॉ करके आप दोबारा से फ्लोट को रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स करने का मतलब है दोबारा से रीफिल कर देना, ठीक है। ये जो इम्प्रेस सिस्टम की डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, इसकी मैं आसान लफ्ज़ों में फ्यूचर में एग्जांपल दूंगा, अभी हम थ्योरी लिख लेते हैं। ये जो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें पेटी कैश को मेंटेन किया जाता है, ये जो मैंने लंबी चौड़ी इसकी दास्तान लिखी है, इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी होल्ड कर लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट करते हैं, देन वी आर सपोज टू कम बैक, ठीक है। पेटी कैश को मेंटेन किया जाता है जिस सिस्टम के तहत उसको कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसके तहत पेटी कैश को मेंटेन किया जाता है। फॉर ईच एक्सपेंस देर शुड बी एन एक्सपेंस रसीट इन ऑर्डर टू ऑथराइज the actual payment, expense receipt are attached with an expense voucher, अभी एक्सपेंस वाउचर क्या है तो इसको हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, कहते हैं कि हर एक्सपेंस के अगेंस्ट एक एक्सपेंस रिसीट होनी चाहिए। जैसे कि आपने पीएन को भेजा कि कस्टमर रिफ्रेशमेंट करनी है, आपने पीएन को भेजा प्रिंटर के पेपर ले आओ, ये छोटे छोटे पॉकेट एक्सपेंसेस हैं ना। तो जब आपका पीएन लेके आएगा, ज़ाहिर है कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के लिए बेकरी आइटम्स आपने मंगवाया तो वो आपको रसीद देगा कितना मैं खर्चा करके लाया, ऐसा ही है। और जब वो प्रिंटर के पेपर्स लाएगा तो वो आपको रसीद देगा स्टेशनरी की बुक से, के बुक शॉप से, कि जनाब यहाँ से मैं स्टेशनरी लेके आया हूँ, प्रिंटर के पेपर्स लेके आया हूँ, उसको एक्सपेंस रसीट बोलते हैं। तो उस एक्सपेंस रसीट को शाम को आपने एक एक्सपेंस वाउचर बनाना है और उस एक्सपेंस वाउचर में उस रसीट को स्टेपल कर देना। और एक्सपेंस वाउचर क्या है, ठीक है, एक्सपेंस वाउचर बेसिकली क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं यहीं पर और फिर बाद में देखेंगे भी। एक्सपेंस वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ पेटी कैश, ठीक है। एक्सपेंस वाउचर वो डॉक्यूमेंट है कि जिसके जरिए आप पेटी कैश के एक्सपेंस को
रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एक्सपेंस वाउचर दिखता कैसे है, मैं आपके सामने छोटा सा फॉर्मेट बनाने लगा हूँ, उसमें ज़रा आप गौर कीजिए। देखें, ये मैं एक्सपेंस वाउचर बना रहा हूँ, इस किस्म का। ये आपका एक्सपेंस वाउचर है। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे कि जनाब डेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्पज़ कि किस पर्पज़ के लिए पैसे लिए गए हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे आइटम्स, यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। और आइटम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने रिफ्रेशमेंट की है और अमाउंट बनी है 1000, और हमने पेपर्स मंगवाए हैं प्रिंटर के, अमाउंट बनी है 350। और उसके बाद हमने यहाँ पर और यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं, किसके, यहाँ पर और यहाँ पर। लेट मी डू इट फ्रॉम हेयर, ये और ये। चलो, फिर हमने यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं उन लोगों के, एक द रिसिपियंट ऑफ मनी, वो जो पीएन है या जो एम्प्लॉई है जिसने खर्चा किया है वो सिग्नेचर करेगा अपने, और एक एथोराइज़र है जो पेटी कैश को एथोराइज़ करता है वो अपने सिग्नेचर इधर कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपेंस वाउचर। एक्सपेंस वाउचर, मेक सेंस। और ये जो 1000 का खर्चा हुआ है रिफ्रेशमेंट के ऊपर, 350 का खर्चा हुआ है प्रिंटर पेपर्स के ऊपर, इनकी एक्सपेंस रिसीट होगी ना, वो एक्सपेंस रिसीट क्या करनी है, वो आपने यहाँ पर जाके स्टेपल कर देना, मेक सेंस। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली पेटी कैश का। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसते हैं और मज़ीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं न्यूमेरिकली अब आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो आपने गौर से देखना है। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, वो है एक्सपेंस वाउचर की। एक्सपेंस वाउचर, नाउ एक्सपेंस वाउचर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जो आपने टोटल 1350 का खर्चा किया है। अब सामने देखें और एज्यूम करते हैं 1 जनवरी को आपके पास फ्लोट जो है वो रखवाया गया है 5000, ठीक है, पेटी कैशियर के पास, के 5000 का फ्लोट है आपके पास और आपने इस 5000 में से पूरे महीने के छोटे छोटे एक्सपेंसेस मीट करने हैं। पूरा महीना गुजरा, उसने एक्सपेंसेस किए 3000 के, ठीक है। तो 31 जनवरी को उसके जो एक्सपेंस वाउचर हैं टोटल, उनकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 3000 की। इसका मतलब है कि 3000 का खर्चा हो गया है तो पेटी कैश बॉक्स में या पेटी कैश टिन में कितनी अमाउंट पड़ी होगी कैश इन बॉक्स, जाके ज़ाहिर है पेटी कैश है उसमें पड़ा हुआ है तो उसको सेफ ही कस्टडी में रखना है ना, किसी टिन में रखना है, किसी लॉकर में रखना है, तो 2000 की अमाउंट उसमें पड़ी हुई होगी। अब सवाल ये आता है कि अब 1 फरवरी को दोबारा आपने अमाउंट विड्रॉ करवानी है, दोबारा आपने अमाउंट विड्रॉ करवानी है ताकि फ्लोट को दोबारा आप 5000 तक ले जाएं, तो ऑलरेडी 2000 पड़ी हुई है, तो कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करवाएंगे कि फ्लोट 5000 तक पहुंच जाए? तो जाहिर है आप 3000 इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, उस बॉक्स में दोबारा ऐड करेंगे। ये जो 3000 आप ऐड करेंगे ना, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट करना। रीइंबर्समेंट, इसको रीप्लेनिशमेंट भी कहते हैं और इसको रिस्टोर करना भी कहते हैं और इसको टॉपअप करना भी कहते हैं, मेक सेंस। अब ज़रा इम्प्रेस सिस्टम की डेफिनेशन देखें आप, कि इम्प्रेस सिस्टम में वो क्या कह रहा था कि द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी रीइंबर्स टू रीस्टोर अ फ्लोट।
वो कह रहा था कि जितना आपका खर्चा होगा उतनी ही अमाउंट आप निकलवाएंगे ताकि फ्लोट को दोबारा आप उसी अमाउंट तक ले जाएं। ऐसे ही है ना कि 3,000 का खर्चा हुआ था और दोबारा कितनी अमाउंट इंट्रोड्यूस करवाई है आपने, 3,000। ये इंप्रेस सिस्टम है, मेक सेंस। अच्छा, जब आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे पेटी कैश बॉक्स में डालने के लिए, उसकी जर्नल इंट्री होती है। उसकी क्या होती है? जर्नल इंट्री। जर्नल इंट्री वो क्या होगी? आप कैश को डेबिट कर लेंगे, पेटी कैश को। एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है ना, 3,000 आ रहा है बॉक्स में, बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो ये पेटी कैश की जनरल इंट्री होती है। मेक सेंस? आगे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका वो है पेटी कैश रसीट। पेटी कैश रसीट, अब ये क्या है? देखिए, पेटी कैश रिसीट का कॉन्सेप्ट ये है कि सम टाइम आपकी पुराने मैगजीन्स पड़े हैं, कोई पुरानी ऐसी टूटा हुआ टेलीफोन पड़ा हुआ है, कुछ पुरानी चेयर पड़ी हुई, आप उसको स्क्रैप करते हैं तो अमाउंट रिसीव होती है, तो इतनी कम अमाउंट होती है कि आप उसको अपनी इनकम नहीं बनाते बल्कि पेटी कैश बॉक्स में ऐड कर देते हैं। मेक सेंस? अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर पेटी कैश रिसीट है, उसी सिनेरियो को नीचे लिखेंगे और देखते हैं कि हम उसको कैसे टैकल करते हैं। देखें, 1 जनवरी को हमने आपके पास फ्लोट जो है वो रखवाया है 5,000 का। 25 जनवरी को आपने पुराना प्रिंटर बेच दिया और 700 जो आए थे वो फ्लोट में ऐड कर दिए, पेटी कैश बॉक्स में ऐड कर दिए। इसको कहेंगे पेटी कैश रिसीट, ठीक है। 31 जनवरी को आप टोटल करेंगे कि आपने अभी तक कितने खर्चे किए हैं, तो एक्सपेंस वाउचर काउंट करेंगे तो पता चला आपने 3,000 का खर्चा कर दिया है। अब देखा जाए तो 5 में से 3 निकला तो 2 रह गया, 700 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 2,700। तो बॉक्स में कितना पड़ा हुआ है, 2,700 ना। अब दोबारा इस अमाउंट को 1 फरवरी को आपने पहुँचाना है कहाँ पर, 5,000 पर ना। तो आप कितनी अमाउंट जो है वो रीइंबर्स करेंगे ताकि आपकी फ्लोट की अमाउंट 5,000 तक पहुंच जाए। एक बात याद रखिएगा कि ये जो एक्सपेंस पेटी कैश रिसीट है, ये एक्सपेंस पेटी कैश वाउचर के एक्सपेंस को कम कर देती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है कि 3,000 का खर्चा हुआ तो 700 रिकवर भी हो गया, तो अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना हुआ, 2,300। तो जितना आउटफ्लो होगा उतनी अमाउंट ही रीइंट्रोड्यूस करवाई जाएगी ना, तो 2,300 आप इसमें ऐड कर देंगे एज अ टॉप अप या रीप्लेनिशमेंट। रीप्लेनिशमेंट, ठीक है जी। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा है हमारे पास, थर्ड कॉन्सेप्ट वो है IOU का। IOU समटाइम्स आपका जो एम्प्लॉई होता है वो आपसे कोई अमाउंट डिमांड कर लेता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में मेरे पास कैश नहीं था, मैंने पेटी कैशियर को कहा कि यार मुझे 200 दे दो ताकि मैं अपना लंच कर लूँ, तुम या तो मेरी सैलरी से काट लेना या फिर ये है कि मैं तुम्हें रिटर्न कर दूँगा। वो पेटी कैश से निकाल के 200 हमें दे देगा, इसको कहते हैं IOU। इसका कॉन्सेप्ट क्या है अभी सामने आपके डेमोंस्ट्रेट करते हैं। वो ये है, 1 जनवरी को मैंने आपके पास फ्लोट रखवाया है 5,000 का। 25 जनवरी को एम्प्लॉई को 200 चाहिए था तो माइनस कर दिया। 31 जनवरी को टोटल जो अखराजात हुए हैं एक्सपेंसेस पेटी कैश के वो हुए हैं 3,000 के, ठीक हो गया जी। अब अमाउंट कितनी पीछे रिमेनिंग होगी, 5 में से 3 गया 2, 2,000 में से 200 चला गया तो 1,800, ऐसा ही है। अब इस अमाउंट को, ये जो कैश इन बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको पहुंचाना है दोबारा आपने कहां तक लेके पहुंचाना है, इसको आपने दोबारा 5,000 तक पहुंचाना है, ऐसा ही है ना। इस अमाउंट को आपने कहां तक पहुंचाना है, इस अमाउंट को दोबारा आपने 5,000 तक पहुंचाना है।
कब? 1 फरवरी को। तो कितनी अमाउंट रीइंट्रोड्यूस करवाई जाएगी इसमें? 1800 में कितना ऐड करें तो 5000 होगा, 1800 में से 100 में आप 3200 ऐड करें तो आप कितनी अमाउंट इसमें ऐड करेंगे? 3200? नहीं, यही तो गलती है जो आप करते हैं। देखें, जितना एक्सपेंस होगा उतनी ही अमाउंट टॉप अप होगी, रीइंबर्स होगी। IOU एक्सपेंस तो नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म कर्जा है। आपका जो मैनेजर है वो इतने का चेक क्यों काट के देगा 200, जिसमें ऐड करेगा कि ये पैसे आप बैंक से निकलवाएं? 200 तो आपने उसी से लेने हैं ना जिसे आपने IOU दिया है, कर्जा दिया है। तो ये अमाउंट विड्रॉ नहीं होगी बैंक से, बैंक से उतनी अमाउंट विड्रॉ होगी दोबारा फ्लोट को रिप्लेनिश करने के लिए जितनी आपने अमाउंट एक्सपेंस पे खर्च किया। तो 200 वो एम्प्लॉई देगा। मेक सेंस? आप समझा गई? अच्छा, हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉन इम्प्रेस सिस्टम। नॉन इम्प्रेस सिस्टम, अच्छा नॉन इम्प्रेस सिस्टम आमतौर के ऊपर घरों में इस्तेमाल होता है, बिजनेसेस भी करते हैं, लेकिन मैं आपको घर की एग्जांपल दूंगा। देखें, 1 जनवरी को आपके अबू ने आपको पॉकेट मनी दी है, चलो मैं उसको फ्लोट कह देता हूँ 5000। आपने 31 जनवरी तक उस पॉकेट मनी को यूज़ किया और आपने 3000 खर्च कर दिया, ऐसे ही है ना? तो आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो आपने सेविंग कर ली, जिसको मैं पेटी कैश बॉक्स कहता था, 2000 की। अब जब 1 फरवरी आएगा तो क्या आपके अबू आपसे पूछेंगे कि 5000 तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुमने कितना खर्च किया? आप कहेंगे 3000, 2000 पड़ा है, तो क्या अबू आपको 3 देंगे? आपकी पॉकेट मनी तो 5 है ना, आपको 5 ही मिलेगा। तो आपको अबू कितनी पॉकेट मनी और दे देंगे, कितना रिप्लेनिश करवाएंगे? 5000 आपको पॉकेट मनी मिल जाएगी। तो 1 फरवरी को आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी पॉकेट में? 7000। तो इस तरह अमाउंट एक्यूमुलेट होती जाएगी। अगर ये बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए नॉन इम्प्रेस सिस्टम, जो सोफिस्टिकेटेड और फॉर्मल बिजनेस होते हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि हमारे अखराजात बहुत कम हों और अमाउंट हम सरप्लस ऐड करते रहें करते रहें करते रहें, तो अमाउंट जो पेटी कैश की है वो ज़्यादा बनती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी। एज अ रिज़ल्ट चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रॉड के, थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसे ही है। तो नॉन इम्प्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये था कि आप ये नहीं देखते कि बॉक्स में कितनी अमाउंट है, खर्चा कितना हो, जितना फ्लोट फिक्स हो जाता है उतनी अमाउंट आप रीइंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक रखा नहीं जा सकता। मेक सेंस? अब पेटी कैश परफॉर्म करते हुए कुछ एरर्स भी आते हैं, एरर्स कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। वो मिस्टेक्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, देखिए, मैंने आपसे कहा कि यार इस तरह करो, 150 का एक्सपेंस वाउचर बनाओ, मुझे 150 रुपया बेकरी आइटम्स के ऊपर खर्च हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने बॉक्स में से 150 निकाला, मुझे 150 पे कर दिया, ये मैं हूँ, आपने मुझे 150 का कैश पे किया, और एक्सपेंस वाउचर आपने गलती से 160 का डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, आप इंट्री पास करेंगे 160 की कि पैसे 160 निकले हैं, ऐसे ही है ना, वर्किंग करेंगे, जबकि पैसे 150 निकले हैं। इसका मतलब है $10 एक्स्ट्रा सरप्लस आपके बॉक्स में आ रहा होगा। क्यों? आप कहेंगे यार पैसे $10 कम होने चाहिए, मैंने तो 160 की पेमेंट की है, तो जबकि आपके बॉक्स से पैसे कितने निकले होंगे, 150। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये एरर आपने किया होगा। बिल्कुल, ये एरर नंबर 1 था। एरर नंबर 2 क्या मतलब, दूसरा, देखें, मैंने आपसे 150 मांगा, आपने एक्सपेंस वाउचर पे 150 ही लिखा, लेकिन मुझे 160 पकड़ा दिए कैश, ये मैं। एज अ रिजल्ट आप कहेंगे यार 150 मैंने निकाला था, जबकि निकाला 160 है ना, एक्सपेंस वाउचर का 150 निकाला, लेकिन पैसे कम है $10 बॉक्स में, जबकि निकाल आप 160 के हैं। गलती आएगी ना, तो रिकनसाइल करने में दिक्कत होगी। और तीसरा क्या है, मैंने आपसे 150 मांगा था,
आपने एक्सपेंस वाउचर 160 का बनाया, पेमेंट भी मुझे 160 की कर दी है कैश, इससे फ़र्क तो नहीं आएगा। लेकिन बाद में आप ये देखेंगे, दोनों बैलेंसेस आपस में इक्वल तो आ रहे होंगे ना, लेकिन ये गलती तो है ना, इस गलती को ठीक करना है कि अगर आप ठीक नहीं करते, खर्चा मेरा 150 का ही हुआ होगा, $10 तो मेरे पास सरप्लस आ गया होगा ना। आपने मुझे 160 पकड़ा दिया, आपने एक्सपेंस वाउचर भी 160 का डाल दिया, तो $10 जो एम्प्लॉई को पकड़ाएंगे या फिर पकड़ाएंगे वो खुद खा जाएगा। उसको तो चाहिए ना वो वापस रिटर्न करे कि सर आपने 160 पकड़ाया था और 150 खर्च हुआ। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप वो 10 वापस डालेंगे और इस एक्सपेंस वाउचर को जो है वो 150 कर देंगे, गलती ठीक करेंगे। मेक सेंस? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा पेटी कैश का। थैंक यू।